हेलो एवरीवन, आप सभी का इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं स्वागत करता हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े के साथ, सबके साथ शेयर करना। और ये जो वीडियो है ये हर बच्चे के लिए है, ठीक है, क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए। हालाँकि आप कुछ सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, मोस्टली ये वीडियो 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखना है। देखो, ये जून का महीना है और हर जगह मोस्टली छुट्टियां पड़ चुकी हैं, ठीक है। छुट्टी है और गर्मी का सीज़न है, मोस्ट पहली बात तो ये है, ठीक है। एक महीना, ठीक है, मेन चीज़ है कि गर्मी की छुट्टी में कैसे पढ़े, गर्मी की छुट्टी को भी इंजॉय करना है हमें, ठीक है। स्टडी से थोड़ा ब्रेक दिया जाता है हमें, और इस ब्रेक को एकदम ही ब्रेक नहीं बनाना है। अगर आप किताबों से दूर भाग जाओगे ना एकदम, और फिर एक महीने डेढ़ महीने बाद किताब पढ़ोगे ना, तो जो भी आपने पढ़ रखा है वो भूलने लगोगे, या फिर बाद में पढ़ना शुरू करोगे तो आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में, आपको बहुत टाइम लग जाएगा यूज्ड टू होने में। तो वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए, ठीक है ना। तो स्टडी को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में मस्ती का हम भी करने का मैं समय दूंगा, खेल कूद करने का भी समय है, दोस्तों के साथ गप्पे भी लड़ाना है, और हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये सारा चीज़ कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले सुबह थोड़ा लेट उठना है हमें, है ना, पूरे साल भर मेहनत करना है हमें, तो ये छुट्टी का समय थोड़ा लेट उठना तो बनता है ना। तो सुबह आप 7 बजे तक तो उठ ही जाओगे, आजकल तो 5 बजे पूरा दिन हो जाता है गर्मी के टाइम में। तो सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक रिवीजन करना है आपको। रिवीजन क्या करना है, जो भी आपने पहले दिन पढ़ाई की है, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान, जो भी आपको लग पहले, उसको उठो और एक बार रिवाइज करो, ठीक है। 20 मिनट मैथ के क्वेश्चन रिवाइज कर लिए, ठीक है, आधा घंटा आपने विज्ञान का थ्योरी पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ाया गया, प्रश्न उत्तर कुछ याद कर लिए सामाजिक विज्ञान के, ये काम करना है आपको मेनली, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सुबह बस 1 घंटे पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि गर्मी सुबह थोड़ा कम रहता है और जैसे जैसे दिन बढ़ेगी आपकी जो गर्मी है वो बहुत बढ़ता रहेगा। और इंडिया में मैक्सिमम बच्चे गाँव के रहते हैं, कई बच्चे शहर में रहते हैं जिनके घर पर कूलर लगा है, एसी लगा है, वो कुछ ही बच्चे हैं। लेकिन जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में ना कूलर है ना एसी है, पंखा तक नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद 8 से लेकर जो 11 बजे का समय है, ठीक है, आपका मस्ती का समय है, खेल कूद जो भी करना है। अगर आप मामा के घर गए हो, मौसी के घर गए हो, दादा दादी के घर गए हो, तो आप हो सकता है कहीं घूमने जाओ, कहीं खेलने जाओ, ठीक है, जो भी आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना है करो, ठीक है। और सुबह लंच ब्रेक भी मैं दे दिया हूँ, तो मैंने सुबह सिर्फ 1 घंटा पढ़ने को ही दिया है। तो मतलब सुबह से लेकर दोपहर तक मस्ती करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो, ठीक है, जो करना है करो, ये टाइम पूरा ब्रेक हो गया आपका। उसके बाद जैसे ही 1 बजे का दोपहर का समय है, सुबह का समय मैं बस 1 घंटे ही पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखो मेरा टाइम टेबल देखोगे, एकदम आप इससे रिलेट कर पाओगे, आपको पूरा मस्ती का टाइम मिलेगा, पूरे पढ़ने का भी समय मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना, जैसे ही दोपहर हो और थोड़ा सा दोपहर लेट हो, हमें 1 से लेकर 2 बजे, हम जब बच्चे जो होते हैं ना उनको नींद कम आती है, ठीक है, नींद कम आती है, तो नींद अगर आ भी रही है ना तो थोड़ा सा पानी मार लो, ठीक है, और हो सके तो इस टाइम का यूज़ कर लो, ठीक है, इसमें सो सकते हो, 1 घंटा नैप ले लो, बढ़िया हो जाएगा। दोपहर के 1 बजे से 2 बजे तक आप गणित पढ़ो, सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, कुछ भी सर्च करो, आगे लिख दो मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको वीडियो टॉप पे मिलेगी, विज्ञान गणित सब कुछ पढ़ा रखा है, क्लास 9 से लेकर 12 तक, ठीक है। फिर आप गणित पढ़ लो, हो सकता है इस गणित के विषय को 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे कर लो, 1.5 घंटे गणित पढ़ लो, ठीक है, 1.5 घंटे आप गणित पढ़ लो, 1 से लेकर 2:30 बजे तक गणित पढ़ लिया, थोड़ा बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो आप। उसके बाद 2:30 बजे से 3:30 बजे तक आप विज्ञान पढ़ लो, ठीक है। तो जिस बच्चे के पास विज्ञान, जैसे क्लास 11, 12 के बच्चे हैं, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है ना, तो वो आप उस हिसाब से इसको बांट सकते हैं, ठीक है। अभी दोपहर को आप भौतिक विज्ञान पढ़ लें, रात को आप केमिस्ट्री पढ़ लें, ये आप कर सकते हैं, ठीक है, दिन में मैथ 1.5 घंटा दे दीजिए। उसके बाद 3:30 से 4:30 का जो समय है, ठीक है, जैसे यहाँ पर सोशल साइंस लिख दिया, सामाजिक विज्ञान आप पढ़ लीजिए, ठीक है, सामाजिक विज्ञान पढ़ लीजिए, या फिर सामाजिक विज्ञान आधा घंटा दे रहे हो तो बाकी मैथ को 1.5 घंटा दे दो, विज्ञान को 1.5 घंटा दे दो, सामाजिक विज्ञान आधा घंटा पढ़ लो। इस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि इस टाइम ये जो ऐसा समय, इसमें तुम खेल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, कहीं पर चिलचिलाती धूप है, कहीं बाहर जाओगे हालत ख़राब हो जाएगी, है कि नहीं। तो इस टाइम का सदुपयोग करना है, तो इस टाइम को हम पढ़ लेंगे। जैसे ही थोड़ा धूप कम हुआ, थोड़ी शाम होने लगी, छांव पड़ी,
तो उस टाइम पे फिर से हमें मस्ती करनी है भाई, घूमने आए हैं गर्मी का समय है, तो 4:30 बजे से लेकर 7 बजे का जो समय है शाम के, वो मैं दे रहा हूँ आपको फिर से मस्ती करने का। कहीं पर पैदल चल गए दोस्तों के साथ, क्रिकेट खेल लिया, वॉलीबॉल खेल लिया, थोड़ा घूम लिया, बतिया लिया किसी से, तो ये आप कर लो, ठीक है। फ्रेश होने का समय है ये हमारे लिए, थोड़ा सा ब्रेक तो बनता ही है, तो ये मस्ती करना फिर से। और मस्ती कितना कर रहे हैं हम देखो, यहाँ पर सुबह 5 घंटा, यहाँ पर कितना 2.5 घंटा, 7.5 घंटे मस्ती कर ली भाई, 7.5 घंटा बहुत होता है 7.5 घंटा। उसके बाद जैसे ही 7 बजे आपको सीरियस होकर पढ़ाई करनी है, 7 से 8:30, ठीक है। जो 11th 12th के बच्चे हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे से कोई से भी उस पर पढ़ लो, ठीक है ना, मैनेज करके। आपको क्या करना है, आपको जो सही लगे, मतलब 9th 10th के जो बच्चे हैं, या तो गणित पढ़ लो या विज्ञान पढ़ लो, ये हो सके तो दोनों ही पढ़ लो, ठीक है। 45 मिनट आपने गणित पढ़ ली, 45 मिनट आपने विज्ञान पढ़ लिया, ये भी कर सकते हैं आप। उसके बाद 8:30 से 9 बजे तक का जो समय है उसमें आपको इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश संस्कृत जो भी आपके पास वो पढ़ लिया। और उसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आपको डिनर करना है, आराम करने का टाइम है भाई। 9 बजे तक पढ़ लिया बहुत हो गया, फिर जाओ आराम करो, थोड़ा मोबाइल चलाना चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात करनी है, खाना वाना खा लो 10 बजे तक, ठीक है। और 10 बजे जैसे ही बिस्तर पे आओ, ठीक है, मुझे पता है आप सोओगे नहीं, ठीक है ना, लेकिन सोने से पहले 10 मिनट हिंदी ज़रूर पढ़ लेना, कोई एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके प्रश्न उत्तर याद कर लिए, कोई अलंकार पढ़ लिया, कुछ है ना संधि विच्छेद पढ़ लिया, विलोम शब्द पढ़ लिए, जो भी पढ़ना है 10 मिनट पढ़ लिया हिंदी संस्कृत 10 मिनट डेली पढ़ना है। उसके बाद जो भी काम करना है फटाफट, दोस्तों से चैटिंग करनी है, बात करनी है, जो भी गप्पे लड़ाने हैं थोड़ा बहुत लगाओ और फिर सो जाओ। लेकिन सोते टाइम दिन भर जो तुमने किया पढ़ाई की बातें वो मन में रखो कि मैंने आज मैथ पढ़ा, ये पढ़ा, मैंने विज्ञान में ये पढ़ा, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है, इससे आपकी मेमोरी स्ट्रांग रहेगी, आप चीज़ों को भूलोगे नहीं। और ये सिंपल सा रूटीन है, डेली फॉलो करो, ठीक है, पूरे जून के महीने में फॉलो करो। इसमें मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि दिन भर पढ़ते रहो भाई, सारा कुछ छोड़ के तुम दिन भर पढ़ो, नहीं, मैंने सुबह सिर्फ 1 घंटा पढ़ने के लिए बोला, बाकी पूरा देखो 5 घंटा मस्ती करना है, ठीक है। उसके बाद दोपहर को थोड़ा पढ़ना है, फिर मस्ती करना है, रात को थोड़ा सा पढ़ना है, फिर मस्ती करना है। तो मस्ती और पढ़ाई दोनों का फुल कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको मैं दे रहा हूँ, ताकि आप छुट्टी भी इन्जॉय करो और आपकी पढ़ाई भी ना छूटे, ठीक है। और आप अगर आपको टॉपर बनना है तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी शुरू से, ठीक है। अगर बोर्ड एग्जाम में तोड़ना है, ठीक है, आपको 90% ज़्यादा नंबर लाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, सोचने से थोड़ी ना हो सकता है कोई भी चीज़, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, जी जान लगानी पड़ेगी। तो वीडियो कैसी लगी मेरी ये स्ट्रेटजी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है 9th से लेकर 12th तक, ठीक है, वो आप चैनल पर जाके वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके अपने प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।